I am back. Baby, teri gently hai walkini. Tere dhumge bhi karte hai talkini. भैया यदि आप अपनी या दूसरे गर्लफ्रेंड को इंग्लिश बोल के इम्प्रेस करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया एप्लीकेशन बता रहा हूँ, मैग टैप। इसमें आपको क्या करना है, किसी भी वर्ड को सिर्फ टैप करके सेलेक्ट करो, वहीं आपको उसका मीनिंग बता देता है, बल्कि एक अच्छी हाई क्वालिटी विजुअल इमेज के साथ। इसका क्या फायदा है, लोगों को इमेजेस बहुत ज़्यादा याद रहते हैं, शब्द का मतलब चाहे भूल जाओ। और इसके आप मैग बोट में जाके भी स्पेशल किसी वर्ड को सर्च करोगे या वॉइस सर्च करोगे तो वहाँ भी उसका मतलब बता देगा विजुअल इमेज के साथ, जो कि बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा इसमें इनबिल्ट ब्राउजर भी है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसमें आप ऑफलाइन मोड भी यूज कर सकते हो, मतलब बिना इंटरनेट कनेक्शन के आप जो भी आपके पेजेज है, जो भी आपने पढ़ना है उसे आप पढ़ सकते हो। इसमें बहुत सारी फाइल्स भी हैं जिन्हें आप एडिट भी कर सकते हो, जैसे PPT हो गया, PDF हो गया, Excel हो गई, और कई तरह की फाइल इसमें आप रीड कर सकते हो। साथ में इसमें और भी कई ऑप्शन है, जैसे रीडिंग मोड है, नोट्स है, म्यूजिक है, इस तरह के बहुत सारे फीचर्स भी इसमें हैं जो आपकी ब्राउजिंग को और बढ़िया कर देगा। तो फिर सोच क्या रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके करो डाउनलोड। डाउनलोड करो, ये ऐसे क्यों बोला मैंने? तो आ गए आप, कैसे हो दोस्तों? जैसा कि आपको पता है कि ये सबका फेवरेट टॉपिक है, पेड रिव्यू, फेक रिव्यू, मेरा भी फेवरेट है। तो भाई मेरे भी विचार आपको इसके बारे में सुनने पड़ेंगे। नहीं भाई मैं नहीं। तो क्या होता है पेड रिव्यू, क्या होता है फेक रिव्यू, क्यों होता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यूट्यूबर्स करते हैं नहीं करते हैं, मैं करता हूं या नहीं करता। भाई देखो, सबसे पहले तो फेक रिव्यू यानी झूठे रिव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। ये हर जगह पाए जाते हैं। जब आप Amazon, Flipkart या किसी अन्य शॉपिंग वेबसाइट पर कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो नीचे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे रिव्यू मिलते हैं आपको पॉजिटिव, उनमें से 30-40% फेक रिव्यू होते हैं। अलग से कंपनियां बनी होती हैं, ब्रांड ने अपने प्रोडक्ट के लिए झूठे रिव्यू लिए होते हैं। उसमें देखा होगा ना आपने कि प्रोडक्ट के बारे में कमाल की बातें लिखी होती है कि लिपट जाओ, चिपट जाओ, ले लो भाई कमाल का प्रोडक्ट है, और फाड़ दो कंप्यूटर को, तोड़ दो मोबाइल को, और जीवन में आज के बाद ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इस तरह की कमाल की बातें उसमें लिखी होती हैं और प्रोडक्ट घटिया होता है। ये सब फेक रिव्यू होते हैं। अब हम बात करते हैं YouTube की, क्योंकि हम YouTube पे खड़े, तो भैया हम तो YouTube की बात करेंगे कि क्या यहाँ पर भी फेक रिव्यू होते हैं। जी हाँ, यहाँ पर भी फेक रिव्यू होते हैं, पैसे लेके झूठे रिव्यू किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं पैसे लेके झूठे रिव्यू? भाई इसका उत्तर आप भली भांति जानते हो, इसका एकमात्र कारण है पैसे। अब भाई पैसे की बात ऐसी है कि इसकी वैल्यू सभी व्यक्तियों के लिए अलग अलग है। मान लो 10 रुपए मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक भूखा व्यक्ति है उसके लिए 10 रुपए तो बहुत बड़ी बात है। तो डिपेंड करता है पैसा। अब जिसको ज्यादा जरूरत है पैसे की, वो झूठा रिव्यू भी कर देता है। कैसे है ये प्रोसेस, मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूं। हमें एक मेल आती है कि भाई हमारे प्रोडक्ट वेबसाइट या इस उत्पाद का या इस ऐप का ना रिव्यू कर दो, और आप $100, $150, $200 अकॉर्डिंग टू अवर सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स या व्यूअर्स के हिसाब से वो हमें पैसे ऑफर करते हैं। अब जब उन्होंने मान लो $100 ऑफर कर दिया, 6,000 रुपए करीब ऑफर कर दिया, अब एक व्यक्ति जिसको जिसको अपने YouTube की मोनेटाइजेशन से $100 भी नहीं मिले, अचानक से उसको $100 ऑफर हो जाते हैं और उसे लगता है कि भाई चलो 6,000 रुपए मिल रहे हैं, मैं इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके देख लेता हूं। अब प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद उसको पता चलता है यार इसमें तो बहुत सारी कमियां भी हैं। कंपनी का कहना यह है कि भाई पहले वीडियो बना के हमें भेज देना, और हम वीडियो देखेंगे, और जब वीडियो अच्छी लगेगी तब हम आपको पैसे देंगे और तभी वीडियो को पब्लिश करने के लिए कहेंगे। अब एक यूट्यूबर जो इस चिंतन में है, इस कशमकश में है, जिसको पैसे की भी जरूरत है और उसको वीडियो भी देनी है, तो वो ये मान के चलता है कि यदि मैंने कमी बताने वाली वीडियो बता दी, इसमें कमी बता दी इनके प्रोडक्ट में, और तब वीडियो भेजी, तो हो सकता है वो एक्सेप्ट करें ना करें। तो ऐसी स्थिति में वो कमी वाली बातों को या तो बताता ही नहीं है या कमियों को छुपा लेता है, केवल अच्छी अच्छी बातें बता देता है, और कंपनी ऐसी वीडियो को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसे कहते हैं हम फेक पेड रिव्यू। तो क्या सारे यूट्यूबर्स ऐसा करते हैं? नहीं भाई, सारे यूट्यूबर्स ऐसा नहीं करते। हाँ, उन्हें वीडियो बनाने के पैसे जरूर मिलते हैं, लेकिन वो वस्तु की, प्रोडक्ट की या वेबसाइट की कमी को नहीं छुपाते हैं, सारी बातें आपके सामने क्लियर कर देते हैं। अच्छा मैं आपको एक बार अपनी बता देता हूँ, फिर आप खुद डिसाइड कर लेना। मेरे पास ऐसे मेल आता है तो मैंने जो भी प्रोडक्ट, आपने मेरी कुछ रिव्यू की वीडियो देखी होंगी जिनमें मैंने बताया था कि कंपनी ने मुझसे संपर्क किया है, और मैंने कुछ प्रोडक्ट के बारे में, जैसे Xiaomi का ईयरफोन था, एक मिनी फोन भी था, उसके बारे में मैंने रिव्यू किया, तो मैंने उसकी अच्छी बातें और बुरी बातें मैंने आपको बताई। अब मैंने कंपनी को भेजा तो कंपनी ने कहा कि भाई इसमें आपने कमियां भी बता रखी हैं। मैंने कहा भाई देखो, वीडियो तो ऐसी ही अपलोड होगी, अब कमी है तो मैं कमी बताऊंगा और अच्छी बात है तो मैं अच्छी बात बताऊंगा, आपको वीडियो डलवानी है तो डलवाओ, नहीं डलवानी है तो जय माता दी। उन्होंने कहा नहीं भैया तुम वीडियो डलवा दो, ऐसे में वो अपना एडवर्टीजमेंट चाहते हैं। तो जो जो यूट्यूबर्स ऐसा करते हैं कि आपको कमी भी बताएं, अच्छाई भी बताएं, तो इसे हम फेक रिव्यू नहीं कहते हैं, ये बिल्कुल सही और करेक्ट रिव्यू है, तो इसे कहते हैं एडवर्टीजमेंट।
अब आपके दिमाग में मस्तिष्क में एक सवाल उठ रहा होगा, नहीं उठ रहा तो मैं उठा देता हूँ, कि भाई क्या पैसे ही सब कुछ है? नहीं भाई, पैसे बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ है। पर यदि कोई व्यक्ति YouTube में आता है और वो ये कहता है कि केवल मैं YouTube शौक के लिए करता हूँ, मुझे बस मजा आता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, अगर मैं खुद ही कहता हूँ कि भाई मैं केवल शौक के लिए आया हूँ, मुझे पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए, तो मैंने क्यों अपनी वीडियोस मोनेटाइज कर रखी हैं? मैं कह दूं कि भाई मुझे बातें बताने मजा आता है, मुझे डांस करने मजा आता है, तो मैं तो जंगलों में जाकर डांस कर लूंगा, वहीं पेड़ों को बता दूं ये बातें, जब मुझे पैसे चाहिए ही नहीं तो मैंने यूट्यूब की वीडियोस मोनेटाइज कर क्यों रखी है। हाँ, एक बात और है कि YouTube में आने का एक कारण पैसा जरूर है, लेकिन एकमात्र कारण पैसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं या मेरे जैसे कुछ यूट्यूबर्स पैसे लेके आपको गलत वस्तु के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। हमारे ईमान की कीमत नहीं है, हम लोग ईमानदारी से आपको जो भी चीज सच है तो सच बताएंगे, झूठ है तो झूठ बताएंगे। तो पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा एक पॉइंट जरूर है, लेकिन अब जरूरत डिपेंड करती है। लेकिन मैं उन यूट्यूबर से कहना चाहूंगा कि जो पैसे लेके वस्तु के बारे में बुरी बातें नहीं बताते हैं वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और भाई मैं अपनी एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, YouTube ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसकी कसम खा के कह रहा हूँ कि इस महीने अब तक 17-18 करीब मेल आए थे और सभी ने अपना किसी का प्रोडक्ट है, किसी की ऐप है, किसी की वेबसाइट है, प्रमोट करने के लिए कोई 200, कोई 250, कोई 150 अलग अलग डॉलर ऑफर किए हैं। मैं उनकी ऐप को प्रयोग कर चुका हूँ, जिनकी ऐप थी, प्रोडक्ट थी, उनको मैं यूज कर चुका हूँ। मैंने इनमें से 3 निकाले हैं जो मुझे लगा कि ये बेटर है आपके लिए, उनमें कुछ कमियां भी हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा, और बाकी सबको मैंने हाथ जोड़ लिया कि नहीं भैया नहीं, ये इतने बकवास हैं, ये आपके काम के नहीं है, जो मुझे आपको नहीं बताना। अगर पैसे की बात है या हम पैसे के लिए ऐसा काम करें, तो अगर मैं 17-18 कुछ हैं, अगर मैं उन सबका आपको रिव्यू कर दूं ना, तो भाई अभी 2 लाख रुपए के करीब आ जाएंगे। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि पैसे लेके मैं आप लोगों को कभी भी धोखा नहीं दूंगा, चिंता मत करो, निश्चिंत रहो, मैं आपको पैसे लेके कभी भी धोखा नहीं दूंगा, जो भी रिव्यू करूंगा करेक्ट करूंगा। और अंतिम सवाल, जिसके लिए लोगों ने अपनी गलत मेंटेलिटी बना रखी है कि क्या पेड रिव्यू गलत होते हैं, नहीं भाई, पेड रिव्यू गलत नहीं होते, जब उन्हें झूठे तरीके से किया जाता है, फेक तरीके से किया जाता है, उनका रिव्यू गलत किया जाता है, तभी वो रिव्यू गलत होते हैं। अगर कोई व्यक्ति पैसे लेके आपको सही रिव्यू दे रहा है, इट्स नॉट रॉन्ग, वो गलत नहीं है। हाँ, यदि आपको गलत बातें बता रहा है, बुरी बातें छुपा रहा है, तो ही वो गलत है। तो प्लीज अपनी मेंटेलिटी बदल लीजिए कि पेड रिव्यू गलत नहीं होते, फेक रिव्यू गलत होते हैं। पर हम है मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। तुम पर हम है अटके यारा, दू भी मारे झटके, क्योंकि तुम हो हटके। अरे बच के रहना, प्यार में पड़ जाए ना तुझको हटके, पीछे भटके।